उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में खाकी को शर्मसार करती घटना देखने को मिली, जहां एक पुलिस कांस्टेबल को एक युवती के साथ रंगरेलिया मनाते उसकी पत्नी और उसके साले ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सूचना दी है। पहुंची पुलिस सिपाही को अपने साथ ले गई है। सिपाही रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के गोला बाजार का है, जहां आगरा के निवासी सिपाही के 3 वर्ष पहले प्रेम प्रसंग बांदा की एक युवती से हो गए थे। समय सिपाही बांदा में तैनात था, उसके बाद उसका ट्रांसफर मैनपुरी हो गया। मैनपुरी पुलिस लाइन में तैनात सिपाही गोला बाजार स्थित कमरे में किराए पर रहता था, जहां सिपाही की प्रेमिका का आना जाना था। किसी गुप्त सूचना के आधार पर आज उसकी पत्नी और उसके साले ने युवती के साथ रंगरेलिया मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस सिपाही को अपने साथ ले गई। वही पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय प्रथम दृष्टया मामले को देखते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है। एक सिपाही जो पुलिस लाइन में तैनात है, और ये पिछले दिनों कुछ दिनों से इसके हस्बैंड वाइफ के बीच में विवाद चल रहा था, और इसकी पत्नी और इसके बच्चे एक दिन कार्यालय में आए थे, जिसमें कि जांच सिविल लाइन्स के द्वारा की भी जा रही है करीब 10 दिन से। इसमें इसी बीच पता लगा है कि कोई एक लड़की इसके कमरे पर मिली थी, तो प्रथम दृष्टया ये दोषी मानते हुए इसको निलंबित कर दिया गया है, और आगे जो है इसमें जो जांच है उसमें फिर इसको सम्मिलित करके, और इसके लड़की के घर वाले क्योंकि इसमें आ गए थे, उसकी पत्नी भी आ गई थी, तो उनकी जो भी तहरीर या जो भी इसमें कंप्लेंट्स होती है उसको फिर हमने जांच में शामिल कर लेंगे।